वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आईकैप की आटम 2020 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मोहसिन एंड जलील ज्वाइंटली बोरोड अ सम ऑफ ₹300,000 फ्रॉम मुस्लिम एंड मुनाफ ज्वाइंटली। तो जो प्रोमिजर्स हैं वो भी ज्वाइंट हैं और जो प्रोमिजीज हैं वो भी ज्वाइंटली कर रहे हैं, तो दोनों तरफ दो दो पार्टीज हैं। ऑन ड्यू डेट मोहसिन एंड जलील डिफॉल्टेड इन मेकिंग द पेमेंट। मुनाफ विदाउट मुस्लिम नॉलेज फाइल्ड अ सूट। तो वन ऑफ द जो ज्वाइंट प्रोमिजीज हैं उन्होंने बेसिकली फाइल कर दिया सूट विदाउट द नॉलेज ऑफ अदर ज्वाइंट प्रोमिजी अगेंस्ट मोहसिन एंड जलील फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट ड्यू। केस दोनों पर किया है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रीफली डिस्क्राइब वेदर मुनाफ वुड सक्सीड इन दिस केस। तो अब इस पर हमें अपने आंसर के अंदर सबसे पहले लॉ को रिफ्लेक्ट करना है। लॉ ये कहता है कि अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट विद द ऑल प्रोमिसेस जॉइंटली। कि क्लियरली अदर इंटेंशन हो तो अलग बात है, वरना बेसिक रूल यही है कि ज्वाइंटली परफॉर्मेंस क्लेम की जा सकती है। इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो मुनाफ ने अकेले विदाउट मुस्लिम नॉलेज जो है वो परफॉर्मेंस क्लेम कर ली है, ज्वाइंटली नहीं की, और ना ही हमें यहाँ पर कोई इंटेंशन नज़र आती है कि सिंगल प्रोमिजी जो है वो इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है। इस पूरे सिनेरियो में ऐसी कोई इंडिकेशन, इंटेंशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो हमारा कंक्लूजन ये होगा कि मुनाफ विल नॉट सक्सीड इन हिज केस। ही मस्ट बी ज्वाइंट बाय मुस्लिम एज द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट विद ऑल द प्रोमिजीज ज्वाइंटली। तो वो मुनाफ और मुस्लिम मिलकर क्लेम करेंगे तो फिर वो क्लेम कर सकते हैं, उनमें से एक क्लेम नहीं कर सकता। हमारे आंसर में ये लॉ एनालिसिस और कंक्लूजन तीनों रिफ्लेक्ट होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम लॉ एनालिसिस और कंक्लूजन की हेडिंग यूज करें अपने आंसर में, चाहे हम ये तीनों सेंटेंस भी अलग अलग शो ना करें, तीन पॉइंट्स अलग अलग शो करना चाहते हैं दैट्स फाइन, इन तीनों पॉइंट्स को एक ही पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना चाहते हैं दैट इज फाइन एज वेल। आपके आंसर में ये तीन बातें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि आपको पता है कि लॉ क्या है, आप सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो और फिर आप कंक्लूजन की तरफ जा रहे हो। डायरेक्ट अगर आप कंक्लूजन की तरफ जंप करेंगे तो फुल मार्क्स नहीं ले सकेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।